कभी चुंबक को देखा है? कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। दुर्योधन, मुझे लगता है ये स्त्री पांडवों में से ही कोई एक है। ये क्या कह रहे हैं मामाश्री? हाँ दुर्योधन, तुम सोचो ना, जब से हमने विराट पर आक्रमण किया है पांडवों में से कोई एक नहीं दिखा, कोई नहीं। हो सकता है अपने अज्ञातवास के चलते पांडव किसी अलग भेष में रह रहे। दुर्योधन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पांडवों में से ही कोई एक है। तुम मेरी बात मानो, ये वही है। यदि तुम किसी भी प्रकार इससे ये उगलवा सको तो पांडवों का अज्ञातवास भंग समझो। दुर्योधन, यदि हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये पांडवों में से ही कोई एक है और स्त्री बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, तो हम पुनः पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास भेज देंगे। मैं आपकी योजना समझ गया मामाश्री। हाँ, मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, क्या तुम मेरी सेना से युद्ध करने के लिए तत्पर हो? रथ पर बैठकर धनुष हाथ में लेकर निश्चित रूप से संधि तो नहीं करने आई मैं हस्तिनापुर से। प्रहनला नृत्य और संगीत ही नहीं जानती, और भी बहुत कुछ शेष है जो आपके समक्ष आने वाला है। देवी, हम पहले ही बता चुके हैं, हम यहां युद्ध के लिए नहीं, केवल पांडवों के लिए आए हैं। हमें विराट में प्रवेश करने की अनुमति दें। बस पितामह, अब आप एक किन्नर के समक्ष गिड़गिड़ाएंगे। आक्रमण, आक्रमण। मैं अंतिम चेतावनी देती हूँ, विराट नगर की सीमा से दूर चले जाओ, अन्यथा मुझे अस्त्र चलाने होंगे।
असंभव। एक स्त्री ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसा धनुर्कौशल एक 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 बार से मेरे सैकड़ों सैनिकों का वध कर दिया। बात नहीं किया युवराज, इन्हें केवल निष्क्रिय किया है। एक ही बाण से इतने सैनिकों पर ऐसा प्रहार करना कि उनके प्राण ना जाएं, यह केवल गहन साधना और वर्षों के परिश्रम से ही संभव है। ये कोई साधारण योद्धा नहीं युवराज। तो तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। इसका कौशल तो यही संकेत कर रहा है, परंतु कैसे? ये तो एक किन्नर है। यदि ये वही है जो हम सोच रहे हैं, तो मेरा मंतव्य और तुम्हारा लक्ष्य आज एक साथ पूर्ण होंगे। बहुत गर्व है ना अपनी सैन्य शक्ति पर दुर्योधन, परंतु इन निर्दोष सैनिकों के प्राण क्यों गंवा रहे हो? आज मैं तेरे बाणों के साथ साथ तेरी जिह्वा को भी शांति कर दूंगा। आगे बाण! तुमसे युद्ध करके मैं अपनी धनुर्विद्या का अपमान नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम्हें धनुर्विद्या आती ही कहाँ है? है कोई वीर तुम्हारी सेना में जो मेरे समक्ष आ सके, मेरे बाणों का उत्तर दे सके? इतना तो साहस हस्तनापुर के वीरों को ललकारती है। पितामा, आगे बढ़िए। नहीं दुर्योधन, तुम में ना हो परंतु मुझ में अभी क्षत्रित्व शेष है। मैं किसी नारी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और ये अर्ध नारी है। आचार्य द्रोण, आप इस किन्नर को इसकी भूल का आभास कराइए। आप आगे बढ़िए। चलो सारथी। एक ऐसी परीक्षा है माता, जिसने मुझे लक्ष्य भेदना सिखाया, वही मेरे समक्ष लक्ष्य बनकर खड़ा है। विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता है तुम में। मुझे प्रणाम करने वाला ये किन्नर कहीं मेरा शिष्य अर्जुन तो नहीं? परंतु ये कैसे संभव है? अभी सिद्ध हो जाएगा कि ये अर्जुन है या नहीं। सावधान! आचार्य,
सारथी आचार्य का रथ लौटा लो। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी ही सिखाई हुई विद्या का प्रयोग मैं आप पर करूंगा। अर्जुन, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? अज्ञातवास पूर्ण होने में कुछ ही समय शेष है, फिर क्यों तुम रणभूमि में उतर आए? मैं माता कुंती को दिया वचन नहीं टूटने दे सकता। दुर्योधन, समय निकलता जा रहा है, हमें शीघ्र ही इस पांडव को पराजित करके इसका वास्तविक रूप सामने लाना होगा। दुर्योधन, अरे यदि ये पांडव ना हुआ तो? आंखें खोलो दुर्योधन, देखो इस साधारण किन्नर ने किस प्रकार द्रोण को पराजित किया है। किसी भी साधारण योद्धा में इतना शौर्य तो नहीं है कि आचार्य द्रोण को पराजित कर सके। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? पहचानने का प्रयास करो इसे। तुम दोनों ने एक ही साथ एक ही स्थान पर एक ही गुरु की छत्र छाया में अभ्यास किया है। अपनी आंखों से इसे धनुर्विद्या सीखते हुए देखा है तुमने। पहचानो इसे, कौन है ये? हाँ दुर्योधन, अर्जुन। अब तुम्हें कैसे भी करके इसका वास्तविक रूप पितामह के सामने लाना है, और उसके लिए तुम्हारे पास केवल एक अस्त्र उपाय है। कर्ण। हाँ दुर्योधन, कर्ण ही वो योद्धा है जो अर्जुन का तोड़ है, और अब समय आ गया है हमारे कर्णास्त्र के प्रयोग का। मित्र कर्ण, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका गर्व भंग करो। इलाज मत करो, हमारे पास में समय कम है। देखो सूर्यास्त होने वाला है, यदि एक मित्र का निवेदन स्वीकार नहीं है तो आप हस्तिनापुर के युवराज का आदेश स्वीकार करो। आगे बढ़ो, जाओ। अब आएगा युद्ध का आनंद, आज पूर्ण होगा वो अधूरा द्वंद्व। ये छोटे मोटे बाण चलाने का खेल बंद करो। अर्जुन को सामने लाना है, वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करो। मैं वैष्णव अस्त्र व्यर्थ नहीं कर सकता। समझते क्यों नहीं हो अंगराज? इस धरती पर केवल एक ही महायोद्धा है जिसके पास पशुपतास्त्र है, और वो है अर्जुन।
और यदि इसने पशुपतास्त्र का आह्वान किया तो इसका अज्ञातवास तो भंग हो जाएगा और पशुपतास्त्र तभी सामने आएगा अंगराज जब उसके समक्ष महाशक्तिशाली वैष्णवास्त्र का प्रयोग होगा। परंतु मैं किन्नर पर वैष्णवास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता, ये वैष्णवास्त्र का अपमान होगा। और वैसे भी ये अस्त्र बहुत शक्तिशाली है। तो हमारे सामने खड़ा योद्धा कौन सा कम है अंगराज? देखा नहीं, बात ही बात में उसने हमारे सैनिकों को कैसे धूल चटा दी। और तुम्हारा युद्ध कौशल हम कई बार देख चुके हैं, परंतु अब कौशल इसी में है कि समय बचा लिया जाए, समझे तुम? मैं मामाश्री की बात से सहमत हूं कर्ण। वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करो कर्ण, बंद करो इसका। दुर्योधन, अब इस अर्जुन के पास केवल दो ही विकल्प है। एक, या तो वो कर्ण के अस्त्र का उत्तर देने के लिए पशुपतास्त्र का प्रयोग करे और अपना अज्ञातवास दूर दे, या फिर मारा जाए। दोनों ही ओर से हमारी ही पोबारा है। बस कुछ क्षण और, सूर्यास्त होने के साथ साथ अज्ञातवास तियास हो जाएगा। बस एक ही भय, भृंगलला के अर्जुन होने का भेद ना खुल जाए। श्रेष्ठ, विराट नगर अब सुशर्मा से सुरक्षित है। हम अपना कर्तव्य पूर्ण कर चुके हैं। हमें शीघ्र ही अर्जुन की सहायता के लिए रणभूमि में जाना चाहिए। नहीं भी, भृंगलला के रूप में वो भले ही अर्जुन को ना पहचान पाए, यदि हम पांचों एक साथ गए तो अज्ञातवास निश्चित रूप में भंग हो जाएगा। तो क्या हम अनुज अर्जुन को निसहाय छोड़ दें? आर्य अर्जुन निसहाय नहीं है आर्य भीम, वो तो पशुपातास्त्र धारी है और अभी तक उनकी ओर से कोई सूचना भी नहीं आई। इसका अर्थ तो यही है कि इन्होंने कौरवों को अभी तक उलझा के रखा है। मेरा अनुज अर्जुन वीर है, परंतु वो अकेला आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म और कर्ण के बल का सामना कैसे करेगा? वहां शकुनी का छल भी होगा। संशय में मत रहिए ज्येष्ठ, अर्जुन को हमारी आवश्यकता है। वैष्णवस्त्र, कर्ण वैष्णवस्त्र संधान कर रहा है। ये पशुपतास्त्र हर दिव्यास्त्र का उत्तर है अर्जुन। वैष्णवास्त्र हो या ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र सबको निस्तेज कर देगा। यदि मैंने पशुपतास्त्र का प्रयोग किया तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि मैं ही अर्जुन हूँ, और यदि प्रयोग ना किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है और साथ ही मेरे भाइयों का जीवन भी संकट में आ जाएगा। बारह वर्ष का वनवास और सही, परंतु मैं अपने भाइयों और पांचाली को निर्बल नहीं होने दूंगा।